Hello, my lovely children. Welcome back. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Let's start today's video. Class 1, Subject Mathematics, Chapter 2, Money, Lecture Number 4. Children, as you all know, we have done our 3 lectures and this is our lecture number 4. Of chapter number 2, money. Yes, in this video our subtopic is worksheet page number 17 and 18. Children, today we are going to do worksheet that is at page number 17 and some questions are at page number 18. At the end of every chapter there is a worksheet that is the conclusion of the particular chapter. एवरी चैप्टर के पीछे एक वर्कशीट होती है जिसमें चैप्टर में आपने जो भी कुछ सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सो इन दिस चैप्टर देयर इज वर्कशीट आल्सो एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वर्कशीट. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके चिल्ड्रन, so here is the question. Look at the toys kept in this toy shop and answer the following questions. Yeah, here is the picture. According to this picture you have to this is the main heading. Okay, question will be given in the next slides. According to this picture you have to give the answer of asked questions. आपको इस picture के according इसमें जो rate list है उसके according सारे questions को answer करना है. In this one along with this toy shop, rate list is also provided to you. इसमें आपको rate list भी दी गई है, such as balloon cost is rupees 5, ball costs rupees 15, teddy bear costs rupees 100, doll costs 85 rupees, kite costs 3 rupees, and the price of dice rupees 45, price of car is rupees 65. All the toys are available in this shop. Look at here is car, here is teddy bear, doll, and dice, kite, ball, balloons. Okay, all the items are available here, which is rate list is provided here. Okay, so you have to check the rate list. According to this list, you have to give the answer of following questions, which will be asked in the next slide. Okay, children. तो ये जो आपकी रेट लिस्ट है इस टॉय शॉप में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी जो रेट लिस्ट है वो एवरी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की जाएगी. उसके बेस पर ही आपको क्वेश्चन को आंसर करना है कि इस क्वेश्चन में आप क्या फिल कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय अ डॉल्स. हियर वी हैव टू टिक द नोट्स एंड द कॉइन्स विच आर नीडेड टू बाय अ डॉल, जो एक डॉल को परचेज करने के लिए रिक्वायर्ड है. हियर द रेट लिस्ट इज गिवन, नो नीड टू शो यू द पिक्चर ऑफ टॉय शॉप, ओनली रेट लिस्ट इज एनफ बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रेट लिस्ट वी हैव टू गिव द आंसर्स. हमें रेट लिस्ट के बिहाफ पर ही आंसर्स देने. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट गोइंग. टिक द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय अ डॉल. हियर सम नोट्स एंड कॉइन्स आर गिवन. 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 5 रुपीज कॉइन. ओके चिल्ड्रन, सो हियर सम नोट्स एंड कॉइन्स आर गिवन. We have to tick those notes or coins which are needed to purchase a doll. First of all, let's see what is the cost of doll. Yeah, here it is mentioned. The cost of the doll is 85 rupees. Rupees 85. Children, this one you have done in the previous video also. आप प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं कि अगर आपको कोई अमाउंट मेक करनी है नोट्स और कॉइन्स से तो आप कैसे मेक करोगे. ओके, सो इन दिस वन लेट्स मेक 100 रुपी. इफ यू विल टेक 100 रुपी नोट सो इट इज
नोट राइट एज 100 रुपी 85 रुपीज से ज्यादा होते हैं, तो हम 100 रुपी के नोट को टिक नहीं कर सकते. ओके बेटा, आफ्टर दैट मूव टू द स्मॉलर देन 100 रुपीज. अब आप देखेंगे कि 100 से स्मॉल वाला नोट आपके पास कौन सा है. हियर वी हैव द नोट ऑफ 50 रुपीज. 50 रुपीज का नोट आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टिक करेंगे. डन. हियर वी हैव 50 रुपीज, देन 20, 60, 70, देन 20 से स्मॉल 10 रुपीज नोट, 80, 50, 60, 70 एंड 80, देन 5, 85. लेट्स काउंट इट अगेन. 50, 60, 70, 80 एंड 80 एंड 5, 85. सो द आंसर इज दीज नोट्स एंड कॉइन्स. डॉल का कॉस्ट है 85, आप उसके लिए इन सारे नोट्स और कॉइन को टिक करेंगे. गॉट इट चिल्ड्रन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. या हियर वी हैव द रेट लिस्ट एज इट वुड बी सेम इन ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इस रेट लिस्ट के बेसिस पर ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स फिल करनी है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज मैंडेटरी. दैट्स व्हाई आई विल कीप दिस रेट लिस्ट इन एवरी क्वेश्चन. या हियर वी हैव विच ऑफ टू थिंग्स कैन बी बॉट एग्जैक्टली विद इन रुपीज 100. इन आंसर यू हैव टू राइट डैश एंड डैश. टू डैशेज आर गिवन हियर एज बिकॉज यू हैव टू राइट टू थिंग्स नेम्स. ओके, आपको यहाँ पे टू थिंग्स के नेम राइट करने हैं क्योंकि आप ऐसी कौन सी दो थिंग्स हैं जिन्हें आप एग्जैक्टली 100, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 100 रुपीज में परचेज कर सकते हो. ओके, इफ इट वुड आस्क ओनली द नेम ऑफ वन थिंग सो इजिली यू कैन राइट हियर बियर, बट हियर इट इज आस्क अबाउट टू थिंग्स. यहां हमसे टू थिंग्स के बारे में कहा गया है तो आपको ऐसे टू थिंग्स के नेम राइट करने हैं. सो लेट अस टेक दैट आइटम विच इज नियर टू रुपीज 100. सो हियर इट इज डॉल रुपीज 85. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डॉल. आफ्टर दैट बेटा वी हैव टू मेक रुपीज 100. दैट्स व्हाई आप 85 टू 100 काउंट करेंगे. लेट स्टार्ट फॉरवर्ड काउंटिंग. इट इज लिटिल बिट बिग आई नो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट बेटा आपके पास अभी इसी मेथड को मैं आपको अडॉप्ट करना प्रेफर करूंगी क्योंकि आपने कोई कैरी एडिशन सम्स नहीं करे अभी तक. ओके, सो आप 85 से काउंट करेंगे 86. एंड यस बेटा, वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हेयर, दैट इज वी हैव 10 फिंगर्स इन आर हैंड. ओके, यू ऑल नो दिस थिंग. एंड वन फिंगर स्टैंड्स फॉर वन नंबर. एक फिंगर एक नंबर के लिए होती है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू एडिशन फॉरवर्ड काउंटिंग विथ लॉट्स ऑफ नंबर. इट मीन्स जो आपकी वन फिंगर है वो थ्री नंबर के लिए स्टैंड करेगी. आप अपने फिंगर में देखो सारे बच्चे, इन योर फिंगर देयर आर सिक्स कॉलम्स. आपके पास थ्री पार्ट्स है ना वन फिंगर के अंदर, सो वन पार्ट वन नंबर के लिए स्टैंड करेगा. ओके, सो लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, आपको ऐसे काउंट करना है. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 85 टू 100. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. हाउ मेनी? और आपके वन हैंड में टोटल 15 पार्ट्स होते हैं, मतलब 15 काउंटिंग. आपका पूरा हैंड फिल हो गया, इट मीन्स 15. एंड 15 रुपीज की कौन सा आइटम है हियर? हियर 15 रुपीज आइटम इज अवेलेबल. लेट सी, या हियर इट इज बॉल. सो लेट्स राइट हियर बॉल. ओके चिल्ड्रन, सो डॉल एंड बॉल कैन बी बॉट इन रेट लिस्ट वुड बी सेम. क्वेश्चन नंबर 3. What is the cost of one balloon? What is the cost of one balloon? एक बलून का प्राइस क्या होगा?
and here we are going to write the answer. Let's see, where is the balloon? Yeah, here is the balloon, 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 and the cost of balloon is rupees 5. Here we will write 5 rupees. Okay children, आपको इस रेट लिस्ट की हेल्प लेनी है. ओके, बिकॉज हम टॉय शॉप के टॉयज का प्राइस यहाँ पर राइट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ टॉय शॉप. जो टॉय शॉप आपको पिक्चर में दिखाई है ना, उसके बिहाफ पर. ओके चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट वन. सो आंसर इज रुपीज 5. नेक्स्ट वन इज, okay children, the next one is, here the rate list will be same, you all know, and here we have question number 4, which will cost more, a set of a dice and a car together or a kite and a teddy bear together. Here we have to write the answer. Okay children, so in this one it is asked which will cost more. Okay children, so in this one you have to do comparison. Compare karna hai, a set of a dice and a car is costly or set of kite and a teddy bear is more costly. In this one you have to compare the price. Okay children, इसके पहले आपने वन वन आइटम का, वन वन प्रोडक्ट का आपने कंपेयर, आपने प्राइस बताया है. इन दिस वन यू हैव टू कंपेयर द प्राइस ऑफ टू थिंग्स. इन द फर्स्ट सेट डाइस एंड कार, इन द सेकेंड वन काइट एंड टेडी बियर. लेट्स डू कंपैरिजन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द प्राइस ऑफ अ डाइस. The price of the dice is rupees 45 and the price of the car is rupees 65. For that we need to add them both. क्योंकि आप जब दोनों को add करोगे तभी आपको पता चलेगा कि दोनों की total cost कितनी होगी. Okay? आपको बताया गया है कि आपको pair wise find out करना है. Dice और car एक साथ खरीदोगे तो वो ज्यादा costly होगा, या फिर आप kite और teddy bear खरीदोगे तो वो ज्यादा costly होगा. Costly means महंगा. उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हियर. या चिल्ड्रन, इन दिस वन रुपीज 45 इट इज द कॉस्ट ऑफ डाइस, रुपीज 65 इट इज द कॉस्ट ऑफ कार, एंड हियर इज द टोटल. बेटा इन दिस वन दिस इज कैरी सम, यू हैव नॉट डन कैरी सम अर्लियर. सो हम यहाँ पे कैरी सम को मैं एक बार बता देती हूँ आपको. वंस प्लेस से वी विल गोइंग टू स्टार्ट एडिशन. 5 and 5 इज इक्वल टू 10. 5 + 5 = 10. 10 के लिए आप 10 का 0 यहां पर प्लेस करोगे और 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड कर, कैरी में फॉरवर्ड कर दोगे. ओके, नाउ 1 and 4 5, 5 and 6 11. ओके, सो द प्राइस टोटल मनी दैट मस्ट बी स्पेंड ऑन डाइस एंड कार इट इज 110. एंड द नाउ हियर वी विल गोइंग टू कंपेयर द प्राइस ऑफ काइट एंड टेडी बियर. Yeah, 100 rupees the price of teddy bear and 3 rupees the price of kite. Let's add them both. 100 plus 3 is equal to 103. It is so simple. 100 and then go forward counting till 3. 101, 102, 103. So answer is 103. Now we have to compare. The price of dice and car is 110 and the price of teddy bear and kite is 103. 110 is more than 103. That is why answer must be set of a dice and a car. ये वाला pair ज्यादा costly है, ज्यादा महंगा है, इसलिए answer होगा set of a dice and a car. This pair is more costly. Next one, rate list is as same, and here you have question number 5. What is the cheapest item available? Cheapest means सबसे सस्ता, जिसकी cost बिल्कुल कम हो, सबसे कम cost हो जिस item की. Okay, that
name you have to write here, which is the cheapest item available. So let's see, balloon कम है, but let's see balloon से भी कम कोई object है, yes kite. बाकी सब के prices high है. Here is the kite which is cost is least, सबसे कम cost है. In answer here we will write kite. Kite means पतंग. fly करते हैं ना kite को. Yes, this is the kite. With the same rate list, but question changed. Next is, what item is the most expensive? Expensive means सबसे महंगा. Okay, जो item सबसे महंगा होगा वो आपको यहाँ पर write करना है. Cheapest means सबसे सस्ता, expensive मतलब सबसे महंगा. Okay, I think doll. $85, yes. But here the answer is teddy bear. Teddy bear की cost है 100 rupees, और 100 rupees से ज्यादा cost का कोई भी item available नहीं है. It means the answer is 100 rupees costs that is teddy bear. Okay, teddy bear की cost है 100 rupees. That is the cheap, the expensive one, सबसे महंगा product. Next is question number 7. Aarti has 50 rupees. She bought a dice. How much money did she get back? Aarti ke paas total 50 rupees hai. She bought a dice. Usne ek dice purchase kiya. Where is the dice? Yeah, here is the dice. 45 रुपीज का डाइस परचेज किया. हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, उसको कितने रुपीज वापस मिले. बैक मीन्स वापस, गेट मतलब मिलना, तो उसको कितने रुपीज वापस मिले. ओके, टोटल रुपीज 50 एंड द प्राइस ऑफ डाइस इज 45 रुपीज. लेट्स काउंट 45 to 50. 45 से हम 50 की तरफ मूव करते हैं, विच मैथड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. ओके, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है. ओके बेटा, सो 45 से आप 50 की तरफ मूव करेंगे. 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50. टोटल 5 रुपीज. हियर वी विल राइट 5 रुपीज. ओके चिल्ड्रन, 45 से 50 तक कितने रुपीज हुए? 5 रुपीज. Yeah, you can also see it here. For 50 minus 45 is equal to 5 rupees. Next is, rate list is same. Question number 8. Sonal has 100 rupees. She buys a teddy bear. How much money will she get back? सोनल के पास 100 रुपीज है. शी बाइज अ टेडी बियर, वो एक टेडी बियर परचेज करती है. हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, तो कितने रुपीज वापस पाएगी, उसको कितने रुपीज वापस मिलेंगी. ओके, टोटल रुपीज 100 एंड द कॉस्ट ऑफ टेडी बियर इज ऑल्सो 100 रुपीज. 100 रुपीज. ओके चिल्ड्रन, इट इज एज सेम एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वन. इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, आपके पास सपोज 10 रुपीज है. आपने 10 रुपीज की चॉकलेट परचेज करी. वुड यू हैव समथिंग इन योर हैंड, आपके पास क्या मनी बचेंगी? नो, आपके पास मनी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने आपने सारे रुपीज की शॉपिंग कर ली. सिमिलर इज हियर, 100 रुपीज टोटल आपके पास है एंड यू हैव परचेज अ टेडी बियर ऑफ 100 रुपीज. इट मीन्स यू विल गेट बैक नथिंग. And nothing means zero. Here you will get 0 rupees, means no money. Okay children, next one. With the same rate list, question number 9.
What three items can be bought within 50 rupees? कौन से तीन आइटम्स हैं जो 50 रुपीज में हम परचेज कर सकते हैं? एज वी डिड इन द प्रीवियस टू इन द सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप ऐसे कौन से टू आइटम्स है जो बोट कर परचेज कर सकते हो 100 रुपीज में? इट इज सिमिलर कि ऐसे कौन से थ्री आइटम्स है, विच आर द थ्री आइटम्स कैन यू बोट इन 50 रुपीज? ओके, 50 रुपीज में आप कौन से थ्री आइटम्स परचेज कर सकते हो? लेट्स सी हियर, लेट्स स्टार्ट विथ With whom I should start? Yeah. If you will move to dice, so dice 45 rupees है और 45 के बाद आपके पास 5 rupees बचते हैं 50 तक होने में, but 50 rupees का एक ही object है, so total आप 2 objects ही purchase कर पाओगे, but here 3 objects की बात कर रहे हैं ना, so आपको ऐसे 3 objects choose करने होंगे which is cost is less than 50 rupees. So first one is, here you have to write the answer. First one is ball, second is balloon, and third is kite. Ball cost 15 rupees, balloon cost 5 rupees, and kite costs 3 rupees. All these items are less than 50 rupees. Aur aap tino items hi 50 rupees, under 15 rupees, 50 rupees mein aap purchase kar sakte ho. ओके, बाकी सारे आइटम्स, ऑल अदर आइटम्स आर मोर देन 50 रुपीज, सो यू कांट बाय देम. ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव डन द वर्कशीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ लेट्स टेक होम एंड हियर इज योर होमवर्क. डू पेज नंबर 17 एंड 18 इन बुक. एंड द बुक नेम इज टूगेदर विद एसेंस, यू ऑल नो. देखो ये स्टूडेंट्स भी स्टडी कर रहे हैं ना, आपको भी ऐसे अच्छे बच्चे बनकर स्टडी करना है. ओके, प्लेइंग टाइम पे प्ले भी करना है, बट स्टडी टाइम पे ओनली स्टडी विद फोकस. एंड योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 17 एंड 18 इन योर बुक टूगेदर विद एसेंस टर्म 3. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर होमवर्क वॉज डू पेज नंबर 16 which I have already discussed in your lecture number 3. वो मैं आपको पूरा explain कर चुकी हूँ, so no need to tell it again. Here we have done children. Let's meet in the next video. Till then, bye bye. Take care yourselves. Thanks for watching.